इट्स डे टू और बात करते हैं पोजीशनिंग की। तो अभी फिलहाल कल रात से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है कंडीशन में। अभी फीवर है, कल रात को भी था, आज भी है, कल सुबह भी था। और दिन की शुरुआत इस कड़वे काढ़े के साथ, इसे तो पीना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर सही होना है तो होम रेमेडीज ही काम आने वाली है। अभी हॉस्पिटल्स में आपको पता है कि कंडीशन किस तरीके की चल रही है, तो उनको देखते हुए अभी जितना घर पे हो सके उतना इलाज करना सही रहेगा। सिम्टम्स की बात करें तो अभी बुखार के अलावा कुछ भी मुझे नहीं हुआ है। इसका टेस्ट कैसा रहेगा यार, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मेरे को पता नहीं खुद भी। इतना बुरा भी नहीं है यार, जितना ब्लैक कॉफी पीता हूँ अक्सर मैं जिम वगैरह करने से पहले, तो उसका जितना कड़वा टेस्ट उसका होता है उससे काफी बेटर है। थोड़ा थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट आ रहा है इसके अंदर, और पता नहीं क्या कुछ मोम ने डाल के दिया है इसके अंदर, लेकिन जो भी है अच्छा है हेल्थ के लिए। और इतने सब चेंजेस के बीच में एक सबसे बड़ा चेंज ये हुआ है कि मेरे जितने भी बर्तन वगैरह हैं वो मैंने अलग कर लिए हैं। नीचे से जो भी खाना वगैरह कुछ भी आता है तो वो मैं गेट के बाहर इनको रख देता हूँ, उनमें डाल देते हैं, फिर मैं उठा लेता हूँ वहाँ से। एक तरीके से जैसे होटल में रूम सर्विस वाला सिस्टम होता है तो वैसा कुछ हो रहा है, और फिर बाद में खुद इनको साफ करता हूँ वॉशरूम में, फिर दोबारा से ही रख देता हूँ, तो इनको भी अलग कर रखा है मैंने। एंड बाय द वे, आज है मदर्स डे, सो मेरी तरफ से आप सभी की मदर्स को हैप्पी मदर्स डे। अभी फिलहाल लंच का टाइम हो चुका है और बुखार यार थोड़ा सा बढ़ चुका है मुझे, तो देखता हूँ यार शाम तक अगर कुछ ज्यादा होता है तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा कि आगे क्या कुछ करना सही रहेगा। एंड इसी के साथ यार कोविड का जो वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन मैं करना चाह रहा था वो अभी तक सक्सेस नहीं हो पा रहा है यार, क्योंकि यहाँ पे सेम वही आ रहा है यार, आज की बुकिंग तो क्लोज हो चुकी है और कल वाला स्लॉट अभी नॉट अवेलेबल है। तो ये जैसे ही ये स्लॉट खुलता है इसको हम बुक करेंगे, तो बार बार मैं इसका ट्राई कर रहा हूँ। वैसे उम्मीद है कि शाम को खुलता ही है, लेकिन यहाँ का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है अपने एरिया का, तो इसलिए पूरा दिन इसको खोल खोल के मैं चेक करता रहता हूँ कि कहीं कोई स्लॉट एम्प्टी है तो उसको फटाफट से बुक करवा लिया जाए। यार कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी मेरे को देखने पड़ेंगे, लेकिन इसी बहाने यार थोड़ा बिजी रहेंगे तो जल्दी रिकवर करने का मौका मिलेगा, क्योंकि हर तरफ ना सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स पे, हर तरफ नेगेटिव न्यूज़ फैली हुई है। जहाँ भी खोल के देखो नेगेटिविटी भरी पड़ी है। तो कल एक बार मैं न्यूज़ देख रहा था चेक करने के लिए कैसे क्या कुछ करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या नहीं, बट गाइज यकीन मानिए उन वीडियोस को देख के ना दिमाग की दही हो गई। उसके बाद मैंने एक भी चीज़ नहीं देखी, पॉजिटिवली जितने भी मेरे काम पेंडिंग थे वो सब मैं कर रहा हूँ और बढ़िया है यार, इतना कुछ मुश्किल है नहीं, धीरे धीरे ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिलहाल शाम हो चुकी है और अभी जस्ट मैंने थोड़ा टाइम पहले एक फ्रेंड से ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर मंगवाया था ताकि टाइम टू टाइम गया चेक करते रहें, क्योंकि इसका कुछ भी पता नहीं चलता यार, एकदम से ऊपर जाता है एकदम से नीचे आता है। सो मैंने उससे ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर दोनों चीज़ें मंगवाई हैं, क्योंकि मैं खुद तो रूम से बाहर जा नहीं सकता था और फैमिली मेम्बर्स को मैं बाहर भेज नहीं सकता क्योंकि वो भी मेरे कॉन्टेक्ट में आए हुए हैं। तो बाई चांस यार किसी और पर्सन को हमारी वजह से अगर वायरस फैलता है तो इसमें समझदारी वाली बात नहीं है, इसलिए मैंने किसी फ्रेंड को बोल के उससे मंगवाया, भाई दे गया और उसकी वजह से अभी मैंने सुबह से मॉनिटरिंग कर रहा हूँ इसका, तो ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल आ रहा है अभी फिलहाल तो, और टेम्परेचर भी मैं टाइम टू टाइम चेक कर रहा हूँ, टेम्परेचर भी अपना ओके रिपोर्ट आ रहा है, 98.1 के ऊपर नहीं जा रहा है अभी तो फिलहाल, तो कुछ ठीक है, देखते हैं सुबह तक कैसा रहता है। सो अभी फिलहाल इसमें 99 का रीडिंग दिखा रहा है, आप देख सकते हैं इजीली, और हार्ट बीट्स इसमें है 63 to 70 के बीच में ये दिखा रहा है, तो अभी फिलहाल नॉर्मल है, इतना कुछ है नहीं। लेकिन स्टार्टिंग स्टेज में मैंने इस पे रिसर्च किया कि सिम्टम्स आते हैं ना तो उनमें ऐसा ही होता है, हल्का सा फीवर वगैरह रहता है, 2-3 दिन के बाद असल में पता चलता है, तो 4-5 दिन यार अच्छे से ध्यान रखेंगे तो हो सकता है कि पहले ही होने से पहले ही हमें पता चल जाए और इसका इलाज हम शुरू कर सकें। अभी वैसे मैं सुबह की तैयारी कर रहा था सुबह, क्योंकि सैटरडे संडे अपना ऑफ रहता है, कल वर्किंग डे है, तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा था, अपना सेटअप वगैरह तैयार कर रहा था। काम तो यार घर से ही होना है, तो
पूरा दिन यहाँ पे बैठे रहने से अच्छा है कि अपने वर्क पे फोकस किया जाए, तो थोड़ा ध्यान बटेगा तो उससे भी काफी हद तक फर्क पड़ने वाला है इस चीज पे। वैक्सीनेशन का अपडेट दूं तो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, मत्था मार रहा हूँ मैं सुबह से। बट हाँ, आज ना यार उस पे एक चीज देखने को मिली मेरे को कि 18+ वालों का यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है वैक्सीनेशन, बट उनका भी जो स्लॉट है ना वो खुलते ही एकदम से फुल हो रहा है। यानी 1 मिनट का टाइम भी नहीं मिल रहा रजिस्ट्रेशन करने का। तो जैसे तैसे करके यार देखते हैं, अगर उसमें नंबर आता है तो। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, कल देखते हैं भाई साहब कैसा रहता है दिन। अगर कल वाला वीडियो आता है तो समझ लीजिए कि सब कुछ सही सलामत है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।